यूपी के जनपद बहराइच के बोंडी में एसडीएम मैसी एसएन त्रिपाठी व तहसीलदार राजेश कुमार वर्मा ने बाढ़ प्रभावित पिपरी कायमपुर तथा गोलागंज गांव का औचक निरीक्षण किया। एसडीएम ने बताया कि घाघरा की स्थिति अभी सामान्य, लगातार घाघरा का जलस्तर घट रहा है। शुक्रवार को गुरुदेवी इस पर घाघरा का जलस्तर 16 सेंटीमीटर और घटा। एसडीएम ने बताया कि मैसी तहसील क्षेत्र में कहीं कटान नहीं हो रही है तथा बाढ़ की भी अभी कोई संभावना नहीं है। हालांकि बाढ़ आपदा से पूर्व तहसील प्रशासन चाक चौबंद है। बाढ़ प्रभावित गोलागंज के रहने वाले बसंतलाल कश्यप का कहना है कि घाघरा नदी अभी तो शांत है, लेकिन घाघरा का कहर अभी थमा नहीं है। कब वह किस ओर रुख कर दे इसका कोई पता नहीं चलता। हालांकि अधिकारी व प्रशासन के लोग गांव आ रहे हैं। इस दौरान प्रधान ओमकार सिंह, पंकज सिंह, बसंतलाल कश्यप समेत अन्य लोग मौजूद रहे। रिपोर्ट, पंकज सिंह, बहराइच। क्या नाम है आपका? बसंतलाल। कहाँ के निवासी? गोलागंज। ये बताया कि गोलागंज बाढ़ प्रभावित क्षेत्र किस हद तक है और कितनी बाढ़? गोलागंज बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है और ये बहुत खतरनाक है। जो नदी है इसका कोई पता नहीं किधर को जाती है, अपना रुख जिधर को लेगी उधर काटना चालू कर देगी और अभी खतरा इसका बहुत बड़ा है। अभी कोई ये नहीं है कि किसके निस्तारण मिल गया है, आगे बहुत समस्या पैदा कर सकता है गोलागंज के लिए, जो शेष क्षेत्र बचा है उसके लिए। एसडीएम साहब, आज आपके द्वारा जो है बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का औचक निरीक्षण किया गया, क्या है? कायमपुर, ये गोलागंज और घर टिकरी, इसके अलावा और गांवों को भी भ्रमण किया गया कि पानी जो बढ़ रहा है, अब सुबह से पानी घट रहा है, करीब 14 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर पानी कम हुआ है 22 का। बाकी सामान्य स्थिति है, कोई गांव भी प्रभावित नहीं है, ना कोई आबादी प्रभावित है, सब सामान्य स्थिति है।